हाय गाइस, सेम फाइनल फर्स्ट वानखेड़ा स्टेडियम। दोस्तों, ऐसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है आज का सेम फाइनल फर्स्ट। दोस्तों, इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 397 की पारी खेली, 4 विकेट नुकसान पर 358 जीत पाई न्यूजीलैंड टीम को। 238 ओवर की पारी के लगभग हो चुकी है। आप बात करें 50 ओवर का मुकाबला होना, 398 की जीत पड़ेगी। अब 245 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर। 271 गेंदों में 153 की जीत पड़ेगी आज न्यूजीलैंड को। 6 की आ रही है प्रति 100, 12 रन खींचे कई उन्होंने यहाँ पर जीतने के लिए। मुकाबला लास्ट 5 ओवर में 25 रन लाए हैं और 5 की रही रिकॉर्ड में। दोस्तों, मुकाबला और भी शानदार अच्छा रहा है। दोस्तों, आज इंडिया इसमें मुकाबला जीत सकता है क्योंकि बड़ा स्कोर दिया है, 317 रन बनाए हैं आज। यहाँ पे एक तो बोल बाकी है, न्यूजीलैंड को धीरे यहाँ पे 170 जीत पड़ेगी जीत के लिए। जस्ट डबल रन चाहिए जीतने के लिए, प्रति गेंद 2 रन चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए। तो मुकाबला और भी कड़ा, मुकाबला हो सकता है न्यूजीलैंड आज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड फर्स्ट सेमीफाइनल। 358 रन 50 ओवर में। बैटिंग की बात करें, देवन कॉलवे सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने आए थे। दोनों बल्लेबाजों को मोहम्मद शमी रवाना किया, 13 रन बना पे 15 गेंद 13 रन बनाए थे। कॉलवे ने 15 रन 22 गेंद 13 रन बनाए थे। रविंदर ने राहुल ने दोनों फिर से कैप्टन किया पीछे से। कर्न विलियम्स कैप्टन आए थे, 6 रन की पारी खेली। मोहम्मद शमी उनको रवाना किया। मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे, 100 ओवर हो गए पार। टमनाथम विकेट कीपर जीरो पे, मोहम्मद शमी ने लगभग विकेट हुए। प्लेन फिलिपर्स आज नॉट आउट है बल्लेबाजी कर रहे हैं 11 के साथ। दोस्तों, प्लेन फिलिपर्स और नीचे दोनों बल्लेबाज उनको मौजूद है। अच्छी पारी खेल सकते, बड़ी पारी हो सकती है, मुकाबला और भी शानदार हो सकते हैं। 245 भी 4 विकेट गिरे हैं इस मैच में। 39 ओवर की पारी लगभग हो चुकी है। पर समाप्त 6.43 आ रही है प्रति 100। मार्क चैपमैन, मिचेल संतनर, टीम साउथ या बल्लेबाजी करने आएंगे। मार्क चैपमैन संतर तो अच्छी बल्लेबाजी होती है, क्योंकि फर्ग्यूसन 10 बोल। दोस्तों, मुकाबला और भी शानदार अच्छा हो सकता है। बात करें बॉलिंग की, जैसे बुमराह, मोहम्मद सिराज, शमी, जडेजा, यादव बल्लेबाजी बॉलिंग जारी। आज बस बुमराह को विकेट नहीं लिया, 7 ओवर में 1 मिनट देकर 42 रन 6 बड़ी इकोनॉमी रही है उनकी। मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर 7 ओवर में 40 रन 4 6 32 इकोनॉमी रही है उनकी। मोहम्मद शमी 7 ओवर में 39 रन 4 विकेट 557 इकोनॉमी रही है। रविंद्र जडेजा दोस्तों 45 रन आए थे जस बुमराह के ओवर से, 1 मिनट निकाला। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 39 रन 6 32 इकोनॉमी। मोहम्मद शमी 7 ओवर 39 रन 4 विकेट 557 इकोनॉमी। जडेजा 10 ओवर 63 रन 36 इकोनॉमी। कुलदीप यादव 8 ओवर 50 रन और यहाँ पर 625 इकोनॉमी देखने को मिली यहाँ पर। दोस्तों, बात करेंगे 30 पहला विकेट देवन कॉलवे का, 6 ओवर पहले गेंद पर 2 विकेट। 39 पर रविंद्र का, 8 ओवर 4 गेंद पर 320 पर 3 विकेट। कर्न विलियम्स का 33। इसके बाद बात करें रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, शेष अय्यर की। दोस्तों, अच्छा परफॉर्म देखने को मिला इस मैच में। हाय गाइस, उस फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जा रहा है वानखेड़ा स्टेडियम। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला आज का मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों, इंडिया ने पहले टॉस जीते हुए बैटिंग का फैसला किया, शानदार फैसला रोहित शर्मा का। वो यहाँ पर बात करने वाले हैं 33 ओवर की, 50 ओवर का मुकाबला होना है यहाँ पे। 237 पहला विकेट गिरा है अभी रोहित शर्मा का इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच का। बहुत ही कड़ा शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है यहाँ पर वानखेड़ा स्टेडियम में फिर से। दोस्तों, फर्स्ट सेमीफाइनल की बात करेंगे यहाँ पर इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया। दोस्तों, 8 ओवर की अगर बात करें, 8.20 की रही है 100 करंट, 41 रन आए हैं 5 ओवर में, 7.21 आ रही है प्रति 100। मुकाबला शानदार अच्छा रहा है। दोस्तों, 71 रन का अच्छा ही रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल रिटायर हट हुए थे। दोस्तों, रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों बल्लेबाजी करने आए थे क्रीज पर। रोहित शर्मा ने आज ताबड़तोड़ 29 गेंदों में 47 रन पारी खेली, 4 चौके 4 छक्के लगाए थे। अच्छे फो लय ताल में थे, 165.06 की स्ट्राइक रेट। लेकिन साउथ की गेंद पे विलियम्स ने एक डिफिकल्ट कैच पकड़ते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन आज 47 पे आउट हुए, वो कैच नहीं था लेकिन वो कैच आउट हुए। अच्छा कैच विलियम्स द्वारा, कैप्टन ने आज विलियम्स अच्छी फील्डिंग की। रोहित शर्मा कैप्टन को 47 रन पर आउट होना पड़ा, 29 गेंद सामना किया, 4 चौके 4 छक्के इस मैच में आए थे। 162.06 की रही थी स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल की बात करें, रिटायर हट हुए थे। दोस्तों, 79 की खूबसूरत पारी खेली यहाँ पर 65 गेंदों में, 65 बॉल का सामना करते हुए 79 की पारी खेली, 8 चौके 3 छक्के इस मैच आए थे। 121.5 दिन के रहे थे स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 79 पे रिटायर हट होते, अगर सही रहे तो वापस आएंगे, कम बैक होगा। विराट कोहली से सही दोनों बल्लेबाजी क्रीज मौजूद हैं। दोस्तों, विराट कोहली की बात करें, यहाँ पे 81 गेंद सामना करते हुए 77 की पारी खेली, 7 चौके और 1 छक्का इस मैच आ चुका है। 95.06 के लिए इनकी स्ट्राइक रेट। विराट कोहली नॉट आउट है 77 पर। शेष अय्यर की अगर बात करेंगे, नॉट आउट है यहाँ पर 30 रन की पारी खेली 22 गेंदों में। दोस्तों, जो अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रीज मौजूद हैं।
एक चौका, दो चक्के इसमें लगा चुके हैं, सात चौके विराट कोहली के बल्ले से आए हैं, आठ चौके आए हैं शुभमन गिल के बल्ले से, चार चौके रोहित शर्मा के बल्ले से आए हैं, और चार चक्के आए हैं रोहित शर्मा के बल्ले से, तीन चक्के शुभमन गिल के बल्ले से, एक चक्का विराट कोहली का, और दो चक्के आए हैं शेष अय्यर के। तो आज दूसरे दिन की वैसे ही सेमीफाइनल का बदला हो चुका है, अब चार विकेट चार रन स्टेमिल हैं, 237 बैठा भी गिरा है, अभी तक 33 ओवर की पारी हो चुकी है, समाप्त 7/21/11 प्रति 100 ऐसे चला मुकाबला, तो 215 ओवर बाकी है, तो उसमें 200-150 रन आने हैं, तो यहाँ पे इसको 400 प्लस जा सकता है। आज का मुकाबला कड़ा अच्छा होता है, केएल राहुल आने बाकी हैं, सूर्यकुमार यादव आने बाकी हैं, केएल राहुल अच्छी पारी खेलते हैं, ताबड़ तो सूर्यकुमार अच्छी पारी खेलते हैं, रविंद्र जडेजा तो अच्छी पारी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ बुमराह फिर मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज या बल्लेबाजी करने आज अपना परफॉर्मेंस दिखाने इस मैच में आएंगे, मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी करेंगे, तो मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी, बुमराह यादव अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो आज मुकाबला और भी शानदार अच्छा हो सकता है, मुकाबला एक के बाद एक अच्छी बल्लेबाजी रही है। आज रोहित शर्मा की 70/47 की पारी खेली थी, दूर से अपने मात्रा अच्छे से 47 रन, तब तो चार चौके चार चक्के लगाए थे, अच्छा परफॉर्मेंस ताल में थे। शुभमन गिल की बात करें, 79 की पारी खेली थी उन्होंने, 8 गेंदों सामना किया, 3 चौके आए थे, 3 चक्के लगाए थे इस मैच में, और यहाँ विराट कोहली की बात करें, नॉट आउट रहे हैं, 77 पे अच्छी अच्छी बल्लेबाजी करके जो मौजूद हैं, अभी खेल रहे हैं, एक अच्छी गेंदों सामना कर चुके हैं, 77 रन बनाए हैं उन्होंने, 7 चौके एक चक्का लगा चुके हैं इस मैच में, 95.06 स्ट्राइक रेट। शेष अय्यर के बाद नॉट आउट हैं, अभी 30 रन पर 22/23 रन बनाए हैं उन्होंने, एक चौदह दो चक्के हैं, उस मुकाबला और भी शानदार अच्छा रहा है। दोस्तों बात करें परफॉर्म की, 37 पहला भी गिरा है 33 ओवर में, 7/21 आ रही है प्रति 100, मुकाबला और भी शानदार अच्छा हो सकते हैं, यहाँ पर विकेट भी हमें मिले हैं दोस्तों। दोस्तों इसलिए आज का परफॉर्म सेमीफाइनल वन जो खेला जा रहा है वानखेड़ा स्टेडियम में, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, सुबह साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल टू खेला जाएगा, वो कल होगा मैच। दोस्तों इससे आज दो जो आज मैच जीतेगा वो पच्चीस के फाइनल में, उसके बाद जो कल मैच जीतेगा वो पच्चीस के फाइनल में। आज इंडिया का मुकाबला अच्छा हो रहा है, यहाँ पर देखने मिलता है 237 बने हैं, विकेट विकेट अभी तक एक भी गिरा है, अच्छी परफॉर्म अच्छी बल्लेबाजी अगर होती है विराट कोहली की 100 होने के बाद अच्छा परफॉर्म खेले तो अच्छी तबर तो बल्लेबाजी करते हुए अच्छे स्कोर पहुँचा दे 450 पर, मुकाबला ऐसा हो सकता है यहाँ पर केएल राहुल विकेट कीपर है, शुरू में दो पर भी बल्लेबाजी करने आएंगे, वो भी अच्छी बल्लेबाज हैं, केएल राहुल के बाद दो शेष अय्यर बल्लेबाजी करेंगे विराट कोहली के साथ, दोनों बल्लेबाज की मौजूद 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी होंगी दोनों बल्लेबाजों की मात्र 100 गेंदों में। दोस्तों बात करेंगे जडेजा की, तो जडेजा भी बल्लेबाजी करने आएंगे, अच्छी बल्लेबाजी अच्छे विकेट अगर लेते हैं तो आज उनका फिर दिन अच्छा हो सकता है, उसको मुकाबला शानदार है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं बॉलिंग का परफॉर्म, देखते हैं किससे बॉलिंग रही आज न्यूजीलैंड की, उस न्यूजीलैंड की बात करेंगे परफॉर्म की दोस्तों, तो फोर लोग विकेट बात करें, पहले विकेट किस गए थे, गोत्र पहला विकेट था रोहित शर्मा का 9th ओवर दूसरी गेंद पर कि आसान कैच था, उसके बाद 164 पहला विकेट ही नहीं गया था, शुभमन गिल रिटायर होते हैं वो। बात करें परफॉर्म की बॉलिंग की अगर, तो टेंट बॉल सिम टीम साउथ मिचेल संतर लोकी प्रोग्रेशन सचिन रविंद्र ग्रैंड फिलिपिन दोस्तों ये वो डाले हैं इन्होंने, टेन बॉल ने 6 ओवर डाले, आज काम नहीं बना, पहले सीजन आए बल्ले उनके ओवर से 7 विकेटों में रही थी, 2 डाली वाइट गेंद। टीम साउथ की बात करें यहाँ पे 6 ओवर डाले 53 रन एक विकेट को मिला था आज, वो जरूर 9.08 की थी इकोनॉमी, साउथ लास्ट में धुलाई हुई थी। मिचेल सेंटनर की बात करें 7/44 रन 6/28 की इकोनॉमी रही इनकी इस मैच में, सेंटनर अच्छा परफॉर्म, ऑलराउंडर बल्लेबाज लोकी प्रोग्रेशन की बात करें यहाँ पर 6/44 रन कोई विकेट नहीं मिला, 7/33 इकोनॉमी अच्छा वो मेगा साबित हुआ। रचित रविंद्र 4/30 रन 7/50 इकोनॉमी, दोस्तों 6 से प्लस ऊपर ही रही इकोनॉमी प्रति, और 6 रन आए से 7/6 रन आया है दोनों ओवर से। गिले फिलीपींस की बात करें 4 ओवर डाले उन्होंने 23 रन की उनकी 5.75 इकोनॉमी रही। दोस्तों इस तरह से आज का मुकाबला शानदार अच्छा होता है, यहाँ पे टेन बॉल टीम साउथ मिचेल सेटनर विकेशन रचित रविंद्र गिले फिलीप्स ने यहाँ पर ओवर डाले हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड टीम की बात करें, नजर थे डेवन कौन में आएंगे सचिन चंद्र के साथ, तो केन विलियम्स भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछले में 100 लगाया था, इस बार डेली मिचेल आएंगे, टॉम रथम आएंगे विकेट कीपर, और फिलियन फिटमेंस अच्छा खेलते हैं यहाँ तक, मार्क चैपमैन मिचेल चंद्र अच्छी बल्लेबाजी होती है, उसका बॉलर है टीम साउथ है लोकी फर्ग्यूसन, टेन बॉल अच्छी टीम उन्होंने भी चूज़ की है, आज न्यूजीलैंड की मजबूत टीम है। दोस्तों मजबूत टीम को तोड़ने के लिए यहाँ पर फर्स्ट में बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर बॉलर अच्छी परफॉर्म करते हैं तो आज इंडिया मैच जीत सकता है आराम से। दोस्तों टेन बॉल टीम साउथ मिचेल सेटनर लोकी फर्ग्यूसन रचिन रविंद्र फिलीपींस की बात की थी हमने, यहाँ पे टीम साउथ को एक विकेट मिला था, यहाँ पे 53 रन आए उनके बल्ले से, उनके ओवर से 9/0.08 की रही उनकी इकोनॉमी, मेगा वो साबित हुआ जरूर, और विकेट मिला उनको एक। बात करेंगे पिछले सेटनर की 7/44 रन 6.28 की इकोनॉमी रही है, लोकी फर्ग्यूसन की बात करें 6/44 रन दिए उन्होंने 7/33 इकोनॉमी रही है, पिछले बात करें 4/30 रन, मुकाबला वो भी शानदार अच्छा देखने मिला इस
परफॉर्म की बात करेंगे, परफॉर्म की तो अच्छा परफॉर्म यहाँ पे रहा है दोस्तों, लगातार दर्ज रही है इनकी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला आज का सेमीफाइनल टू सेमीफाइनल वन जो खेला जा रहा है वनखेड़ा स्टेडियम में। ट्रेंट बोल्ट टीम साउथ, मिचेल सेटलर टू की प्रोपोजिशन, निशिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स ये बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों। फ्लो विकेट की बात की थी अपने, सिकुतर पहला विकेट रोहित शर्मा गया था, नाइन तो दूसरी गेंद पर सुबह 164 पहला विकेट शुभमन गिल का था जो रिटायर हट हुए थे। आज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला और भी शानदार अच्छा हो सकता है। इंडिया ने पहले टॉस जीते थे, बैटिंग का फैसला शानदार फैसला, फिर दोस्तों बैटिंग पीछे तो यहाँ पर देखने मिल सकता है, अच्छा स्कोर मिल सकता है। अभी देख सकते हैं आपके सामने 200 प्लस हो चुका है 35 ओवर में, तभी तक सात गेंद आए थे, कम से कम 150 रन तो और आने हैं, तो इस तरह देखते तो 400 प्लस आज का है टारगेट जा सकता है अगर विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल के साथ वो भी आएंगे, सूर्यकुमार रविंद्र जडेजा भी आएंगे, तो दोस्तों अभी तीन बल्लेबाज बाकी है, विकेट अभी तक एक गिरा है तो पूरी टीम बाकी है, तो अभी तो अच्छा कोहली को भी खेलना चाहिए और अभी अयर को भी अच्छी परफॉर्म देखने को मिल सकती है, यहाँ पर अच्छा मुकाबला होना चाहिए दोस्तों। एक बाद एक विकेट भी यहाँ पे